सूरजपुर डबल मर्डर केस को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। आपको बता दें कि सूरजपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कुलदीप साहू गढ़वा से बस में बैठकर अंबिकापुर की ओर निकला था और कोतवाली थाना के सामने बस रोककर आरोपी को पकड़ लिया गया और अब एसपी साइबर सेल में ले जाकर आरोपी से पूछताछ कर रहे हैं। आपको बता दें कि सूरजपुर जिले के कोतवाली थाना इलाके में एक प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या कर दी गई थी और जिसका मुख्य आरोपी कुलदीप साहू बताया गया है। आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर देर रात प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी का अपहरण किया और फिर दोनों को मौत के घाट उतार दिया था और दोनों के शव घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर खेत में फेंक दिए थे। घटना की जानकारी मिलते ही एसपी के साथ साथ बड़ी संख्या में पुलिस की टीम मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू कर दी थी। इस पूरी घटना को लेकर लोगों में भारी आक्रोश का माहौल देखने को मिल रहा था और भीड़ ने एसडीएम से भी मारपीट की थी। इसके साथ ही शहर बंद कराकर सूरजपुर थाने का घेराव किया था और आज आरोपी को पुलिस ने बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही एक और अपडेट ये भी है कि एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष और कुलदीप साहू के 4-5 साथियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया था, जिसके बाद कुलदीप साहू को बलरामपुर से गिरफ्तार किया है। तो इस खबर से जुड़े हर अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे, तो बने रहें खबर विभाग के साथ।